नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव में सभी पार्टियां अब सक्रिय नजर आ रहे हैं और जनता को अपनी अपनी ओर साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में यूपी का अगला सीएम कौन बनने जा रहा है, इसको लेकर गाजियाबाद की जनता ने बताया कि वो बतौर सीएम एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। जरा आप भी सुनिए कि गाजियाबाद की जनता ने हमारे संवाददाता से और क्या कुछ कहा। बात कराते हैं आपका जनता से, देखते हैं कि जनता का रुख किस ओर है, किसको अपना चेहरा देखना चाहते हैं, पार्टी का मुखिया उत्तर प्रदेश से किसका चेहरा देखना चाहते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार अग्रवाल। राजकुमार अग्रवाल जी, गाजियाबाद के इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन है, गाजियाबाद से विधायक भी खड़े हैं, तरह तरह की पार्टियां, किसको जिता रहे हैं सर? बीजेपी। बीजेपी निकलेगी। बीजेपी से कौन है सर? यहाँ के वो हैं, क्या नाम उनका, अतुल गर्ग जी। के कौन कौन से कार्य सर आपको अच्छे लगे? सारे अच्छे लगे गाजियाबाद में। लोग बाग बोल रहे हैं विजयनगर लाइन पार क्षेत्र में कि उन्होंने काम कुछ कम भी किया है, मतलब वहाँ पे गंद काम अच्छा किया उन्होंने। हम तो बीजेपी के कट्टर बीजेपी के हम तो भैया। प्रदेश से किसका चेहरा देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री का? ये योगी आएगा। योगी 100% योगी है। अखिलेश यादव से क्या कमी रह गई? क्या कमी? बदमाशी, गुंडागर्दी, कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी पार्टी से? लड़ाई झगड़े अपहरण ये सब होता है। लड़ाई झगड़े अपहरण तक की बात कही है जनता ने, सीधा सीधा संवाद किया है आपको। और भी जनता के एक व्यक्ति से मिलवाते हैं सर। सर, क्या नाम है सर? जी आज़ाद नाम है। आज़ाद जी, गाजियाबाद से जो विधायक खड़े हुए हैं अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी भाजपा जनता पार्टी से हैं। एक्चुअली मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ये नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पड़ती है वो मेरठ में पड़ती है, सिवाल खास। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश से किसका चेहरा देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद पर? मुख्यमंत्री पद पर ऐसा है, देखो मुझे कुछ बात ऐसी हैं जो बीजेपी सरकार की बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि बहुत अच्छा, हमें सबसे अच्छी लगती है जन सुनवाई। हाँ, मैंने अपना आप भी कई जो शिकायतें की हैं जन सुनवाई पर, गाड़ी वगैरह चलवाने के लिए, तो मेरी सुनवाई की गई, लखनऊ से फ़ोन भी आया और गाड़ी भी चली। लोगों का कहना भी है कि IGRS पे ज़्यादातर सुनवाई नहीं होती, अधिकारी हैं जो IGRS के नोडल अधिकारी हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं तो, नहीं, ये तत्काल करते हैं सर, मैंने अपने आप भी किया है और उसके बाद भी औरों के भी कराए थे मैंने। अच्छा, विकास के मुद्दों की बात की जाए तो क्या क्या विकास किए हैं योगी सरकार ने? देखिए मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ जो है बीजेपी सरकार का सिर्फ एक काम सबसे अच्छा नहीं लगता, जो ये बहुत से हिंदू युवा वाहिनी जोड़ करके, कुछ और वाहिनी जोड़ करके बेवजह के हंगामे करते फिरते हैं, सिर्फ ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता और बाकी सारे काम अच्छे से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं वो तो जैसे कि बसपा से भी मायावती हैं, हाँ जी, कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जी जी, ये तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं आजकल, तो क्या आपको लगता है कि इनको मौका देना चाहिए? अरे सुरक्षा तो पहले भी ऐसी चल रही थी और ये अब भी ऐसी चल रही है, ये तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। मतदान का मत किस ओर रखेंगे, किस पार्टी को जिताएंगे? दो एक ही जगह डालते हैं, दो चाहे जीते हैं या हारे हैं, बहुजन समाज पार्टी। मायावती जी। अच्छा, तो सर अखिलेश क्यों नहीं या योगी जी क्यों नहीं इस बीच में? प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक ही जगह डालते हैं, हम उसके बाद डालते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद परवेज जी। किस पे अपना मत देंगे, किस पार्टी को अपना चेहरा मुख्यमंत्री का देखना चाहते हैं? देखो, हमने आज तक कांग्रेस को ही वोट दिया है, कांग्रेस को पहले से। कौन है आपकी गाजियाबाद से जो प्रत्याशी हैं, जानते हैं उनको? ना, अभी तक पता, क्योंकि हमने अभी तक कांग्रेस को ही दिया जब से वोट, किसी को दिया ही नहीं। तो सर आप जिस इलाके में रहते हैं गाजियाबाद के, उसमें तो विधायक पहले काम करते हैं, मतलब विधायक आप जानते नहीं हैं अपने, अभी फिलहाल जो विधायक हैं मौजूदा भाजपा जनता पार्टी से अतुल गर्ग जी हैं, तो अतुल गर्ग जी ने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया जो आपको पसंद नहीं आया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमने। अच्छा, पता नहीं है, हम एक ही मत को देखते हैं, कांग्रेस को ही देना चाहते हैं, ऐसा यशस्वी जी ने कहा। सीधा सीधा संवाद कराते हैं, और भी यहाँ पे ठेली कुलचे वाले भी हैं और जो आम जनता है उनसे सीधा संवाद कराते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मदन बहादुर जी। सर, इस बार तो जी योगी जी जीतेंगे जी, जिसके हाँ जी। तो योगी जी ही क्यों सर, मतलब अखिलेश जी क्यों नहीं, क्यों? और सर गाजियाबाद की विधानसभा सीट से कौन खड़े हैं भाजपा जनता पार्टी से? भाजपा जी। तो सर अतुल गर्ग जी ही क्यों, मतलब और भी अन्य पार्टियां हैं यहाँ पे, उन्हें क्यों, मतलब उनके से क्या रह गया? जी सर, हमें देखो जी, चाहे महंगाई सस्ता है तो सब जो चलते रहता है, ये तो आम बात है, लेकिन अतुल गर्ग जी जो है नेता बढ़िया है, सब चीज़ जो है सबको देखभाल करते हैं। गर्ग साहब ने यहाँ कार्य किए हैं? हाँ। अच्छा, तो महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो सर जी, अब देखो छोटे से आदमी बड़े हो गए, महंगाई तो चलते रह गए, ऊपर नीचे तो होते रहता,
ऐसे नहीं है, नेताजी बढ़िया है। सरकार मोदी की जो आएगी, योगी जी की आएगी। सर हमारे साथ और एक व्यक्ति हैं, आप उसको सीधा समझ कर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जी सुनील चौधरी है। सुनील चौधरी जी, किसको जिता रहे अपने गाजियाबाद से विधायकी? गाजियाबाद में विधायकी में हम जिताएंगे जी वर्मा जी को जाटव। कौन सी पार्टी से आते हैं? सपा से। सपा से जी। तो सीधे से आप प्रदेश का मुखिया किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। योगी जी से क्या कमी रह गई सर? योगी जी ने रोजगार नहीं दिया, बिल्कुल नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल डीजल दुनिया भर का महंगा हो गया, कुछ नहीं काम आए किसी, सब बेरोजगार फिर रहे, हम भी बेरोजगार फिर रहे इस टाइम। महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो इतनी हो गई है कि बड़ा मुश्किल हो गया, पेट्रोल गैस सिलेंडर बहुत महंगा। देखिए पेट्रोल गैस और ये सब महंगा होता जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा ही कहीं ना कहीं भाजपा जनता पार्टी की सरकार में देखने को जनता से मिल रहा है। आपको और सीधा संवाद कराते हैं, यहाँ एक व्यक्ति और हैं भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब का? सर आपका विनीत। विनीत जी, विनीत जी गाजियाबाद से विधायकी में किसका चेहरा देखना चाहते हैं इस बार? नहीं, मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से हाँ। उत्तर प्रदेश में सर किसका चेहरा देखना चाहते हैं पार्टी का? उत्तर प्रदेश से योगी जी। योगी जी हाँ। सर अखिलेश जी क्यों नहीं, मतलब क्या कमी रही? अखिलेश जी भी बढ़िया हैं, लेकिन योगी जी। कौन कौन से योगी जी कार्य आपको अच्छे लगे हैं सर? सारे काम अच्छे हैं। जैसे अभी विधानसभा सीट से नवयुग मार्केट में है, आज जनता से सीधा सीधा संवाद कराते हैं आपका, कि किस और पार्टी का रुख है, जनता का रुख है, किसको अपना चुनाव से मुख्यमंत्री का चेहरा चुनते हैं और गाजियाबाद से विधायक चुनते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? सर आप कुछ बता दें कि किस किस का किस मुद्दों पे मतदान करेंगे इस बार? किस मुद्दों पे मतदान करेंगे जी? सर एडमिन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन मतदान करेंगे, एडमिन समझते हैं ना सर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसकी बात करते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ यूपी में, उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है सर। दीपक जी कहाँ रहते हैं आप? उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है? नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद का निवासी हूँ। ठीक है, और किसको चाहते हैं आप? सर सच बताएं, टकराव देखा जा रहा है सर, टकराव देखा रहा है, तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और अगर पिछले अगर 3 साल का जो ब्यौरा दिया है अभी योगीराज जी ने जी। ठीक है, जो उन्होंने दिखाया कि हमने 38,000 करोड़ रुपए लगाया गया डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुआ है, कितने कॉलेजेस बने हैं, कितने मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल आए हैं, और 13 जगह जो कॉलेज खुले हैं। तो सर क्या अखिलेश की सरकार में ये सब नहीं था? था सर, लेकिन थोड़ा सा कम था, थोड़ा पीछे चल रहे थे। अब ऐसे 2 क्लास में 2 स्टूडेंट होते हैं सर, किसी अलग अलग तरीके के, ठीक है, एक स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा वीक चल रहा है, एक थोड़ा फास्ट चल रहा है, सर टाइम की बात थी। अखिलेश सरकार बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बिल्कुल मना नहीं कर, हम सपोर्ट करते हैं, बट अब योगीराज ने इतना काम किया है, थोड़ा सा उसके साथ साथ चल रहे हैं। क्या काम करने वालों के लिए कोई नौकरी की कमी नहीं है, अब फ्री में चाहिए कि नितिन। नितिन जी इस बार गाजियाबाद से विधायक का चेहरा कौन होंगे, आप किसे वोट करें, किस पार्टी को? शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं, अब भी बीजेपी के साथ ही। आएगा तो बीजेपी, आएगा तो योगी। क्या नाम है सर आपका? अजय नाम है मेरा। अजय जी किसे इस बार मतदान कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बीजेपी, ऑफ कोर्स बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अच्छा चेहरा बना चुकी है, और मुख्यमंत्री के पद पर जो है योगी ही भाते हैं लोगों को। अब देखना ये होगा कि कई कड़ा मुकाबला है पार्टियों के बीच में, कौन जनता किसको अपना एक सर का ताज बनाती है उत्तर प्रदेश से। आप बने रहिए राजपथ टीवी के साथ, सबसे पहले भारत। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, गाजियाबाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपथ टीवी को बहुत जल्द देख पाएंगे अपने पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म्स पर, डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV, रोकू टीवी पर।